हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हंसराज राठौर और मैं एक किराना सेल्समैन हूं। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या गांव में किराना दुकान करके ढेर सारा पैसा कमाया जा सकता है। जी हां, कमाया जा सकता है, तो उसी पर बात करने वाले हैं विस्तार से। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैं जाता हूं गांव में किराना दुकानों पर सामान देने, तो मैंने देखा है कि गांव में किराना दुकान करके बहुत से दुकानदार अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो बात कर लेते हैं किराना दुकान में यानी क्या क्या जरूरी होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, पहले तो आपकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए जहां पर आप दुकान करना चाहते हो या कर रहे हो। अगर आपकी लोकेशन अच्छी है तो आपकी दुकान चलनी ही चलनी है। और दूसरा, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए यानी आपका नरम व्यवहार होना चाहिए। अगर आपका नरम व्यवहार होगा तो आपकी दुकान पर लोग खिंचे चले आएंगे। और तीसरा, आपको टाइम देना होगा यानी 15 से 16 घंटे दिन में और 7 दिन और पूरे महीने यानी साल में 365 दिन होते हैं, तो आपको 365 दिन दुकान खोलनी है। और मैं आपको बता दूं यानी किराना दुकान चलाना एक आदमी के बस का काम नहीं है, सहयोग के लिए कोई दूसरा बंदा भी होना चाहिए। भले ही दूसरा बंदा पार्ट टाइम के लिए हो यानी आपको 2-3 घंटे दिन में मदद कर सके तो भी चलेगा। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों भाई के बारे में जो गांव में किराना दुकान चलाते हैं और उनकी अच्छी खासी दुकान चल रही है और अच्छा खासा पैसा वो कमा रहे हैं। यानी मैं आपको बता दूं, दिन का वो 2 से 2.5 हजार रुपए कमा रहे हैं और उनकी अच्छी खासी दुकान चलती है। और आपको मैं बता दूं यानी किराने का वो पूरा सामान रखते हैं और साथ में फल भी रखते हैं और सब्जी भी रखते हैं। तो दोस्तों मैं वीडियो बनाकर भी लाया हूं, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो कितने ताजे ताजे फल हैं और ताजी ताजी सब्जियां हैं। और जहां पर भाई की दुकान है वो मेन रोड पर है और पीछे उसके गांव है और सामने भी एक रोड गई है, वहां पर भी 8-10 गांव है, वहां के लोग आते जाते रहते हैं। यानी वहां से आएंगे तो बस में यहीं से बैठेंगे, बस का इंतजार करेंगे तो रुकेंगे, और कहीं से आएंगे तो उतरेंगे बस से। तो जैसे घर के लिए कुछ ले जाना हो, सब्जी है, फल है या किराने का सामान है, तो लोग यहीं से ले जाते हैं। और भाई की दुकान अच्छी खासी चलती है और भाई का व्यवहार भी अच्छा है। और मैं आपको बता दूं, दुकान के पीछे भाई का घर है जहां पर वो स्टॉक में माल रखते हैं। दुकान में तो उतना ही माल रखते हैं जितना की सेल हो। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, जैसे किराने के साथ साथ फल सब्जी वो तो रखते ही भाई, और साथ में पशु आहार भी रखते हैं, जैसे बोरी की बोरी लोग ले जाते हैं तो उसमें भी अच्छा खासा मुनाफा है। यानी एक बोरी पर 100 से 150 रुपए बच जाती हैं और पूरी बोरी की बोरी चली जाती है। और भाई काफी टाइम से दुकान कर रहे हैं और उन्हें अच्छा खासा अनुभव है। जैसे मैं जाता हूं सामान देने तो भाई बोलते हैं कि ये सामान मुझे इतने का मिल रहा है। जैसे नमकीन है तो नमकीन की वो पूरी पेटी की पेटी ले लेते हैं, और चिप्स कुरकुरे यानी वो बल्क में माल लेते हैं, इसलिए उन्हें माल सस्ता भी पड़ जाता है और मुनाफा भी उसमें ज्यादा होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप भी भाई की तरह दुकान करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि किराने का सामान तो सही है, लेकिन फल और सब्जियां आप देख लें कि आपके यहाँ से बिक जाए तो ही रखें। फल सब्जियां एक ऐसी चीज है, अगर उनको आपने नहीं बेचा तो 2-3 दिन बाद वो आपको बेच देंगी, जैसे कि खराब हो जाएंगी तो आपका अच्छा खासा उसमें नुकसान भी हो सकता है। तो आप ध्यान रखें, जितनी आपके यहाँ सेल हो उतना ही आप फल और सब्जी लेके आए, जब बिकने लगे तो आप ज्यादा भी ला सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।